हार्ड सीरीज क्वेश्चन 5 सुनिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 95 थीटा प्लस कॉट 95 थीटा क्या होगा। सुनिएगा अच्छा से, इसको ऐसे करेंगे बाय पुट एंड गेट मेथड। बाय पुट एंड गेट मेथड काफ़ी बार एग्जाम में पूछ भी रखा है, ध्यान रखिएगा अच्छा से। ऐसे एज्यूम करते इस क्वेश्चन को एक ऐसे ही पूछेगा, यहाँ पर टेन थीटा प्लस 1 अपॉन में टेन थीटा इक्वल टू 2, ऐसा भी आपसे पूछता है। ये बताइए मुझे कि टेन थीटा 10 और 1 अपॉन में 10 क्या होगा, कॉट थीटा। तो यही चीज़ तो ये लिखा होगा, यस या नो, यही 1 अपॉन में टेन थीटा को ही यहाँ पे लिखा गया कॉट थीटा। तो इससे कन्फ्यूज मत होइए, किसी बार आपको टेन थीटा प्लस 1 अपॉन में टेन थीटा पूछेंगे और या तो टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा पूछेंगे। सुनिए कोई बात नहीं, ऐसा ही ज़ूम करेंगे कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 कैसे हो जाएगा। सुनेंगे तो यदि थीटा की वैल्यू 45 पुट कर देंगे, कितना 45, तो टेन 45 क्या होगा 1 और कॉट 45 क्या होगा 1 और 1 प्लस 1 क्या होगा 2। यस, फिर से ऐसा ही ज़ूम करेंगे कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 होना चाहिए। यस या नो, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 होना चाहिए। तो ऐसा हमने एज्यूम किया कि थीटा की वैल्यू 45 इसमें पुट कर दिया, तो टेन 45 क्या हो गया 1 और कॉट 45 अल्सो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा पर 2 हो जाएगा। तो आसानी से हम कह सकते हैं कि टेन 45 क्या होगा 1 और 1 के पावर में क्या होगा 95। यस या नो, कॉट 45 क्या होगा 1 और 1 के पावर में क्या होगा 95। बताइए 1 को 95 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएंगे, 1 को 95 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएंगे, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो 2 इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा कि ऐसा कहीं, देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, टेन 95 थीटा प्लस कॉट 95 थीटा पूछेंगे आपसे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एज्यूम करना है और बाय पुट एंड गेट मेथड का यूज़ करना है। तो आप एज्यूम ऐसे करिएगा कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या करने के बाद 2 आ जाए। तो मैंने ये एज्यूम किया थीटा की वैल्यू 45 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। तो आसानी से कह देंगे टेन 45 क्या होगा 1, 1 की पावर में 95, एंड अगेन cot 45 क्या हो जाएगा 1, 1 की पावर में 95, और 1 को 95 टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा 1 ही आ जाएंगे, और 1 को 95 टाइम्स करिएगा इसमें क्या होगा 1 ही आ जाएंगे, और 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो 2 इज़ द राइट आंसर। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन आपको समझ में आपको आया होगा।